दोस्तों कुछ दिनों पहले ही सैमसंग ने अपने सैमसंग गैलेक्सी A50s को इंडिया के अंदर लॉन्च किया था। दोस्तों ये डिवाइस को लॉन्च करने के बाद सैमसंग अपना एक न्यू स्मार्टफोन इंडिया में फिर से लॉन्च करेगा, जिसकी लीक कंफर्म हो गई है। उस डिवाइस का नाम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A70s। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैमसंग गैलेक्सी A70s के फीचर के बारे में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस स्मार्टफोन के विषय में ज्यादा जानने के लिए, तो इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, USB टाइप सी का सपोर्ट और इस स्मार्टफोन में हमें सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर हमें 6.7 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ यहाँ पर हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A70s में। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोसेस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A70 में। यहीं पे दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमें 8GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। यह स्मार्टफोन दो वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च होगा, 8GB एंड 6GB। इस स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल रियर कैमरे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का और थर्ड कैमरा होगा 5 मेगापिक्सल का। इसी के साथ दोस्तों हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A70s में। इसी के साथ दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमें 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। यही पे बात किया जाए इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो एक्सेप्टेड लॉन्च डेट है इसका 10 अक्टूबर 2019। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।